हे गाइज, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम इंडियन पॉलिटी। नाउ इंडियन पॉलिटी, देखो यार, मैं इंडियन पॉलिटी, ये 7 से 8 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ रहोगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। इंडियन पॉलिटी, नाउ इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो एक लेक्चर है यार, ये एक लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप नेक्स्ट के सारे जो भी वीडियोस देखेंगे उसमें सारी चीज़ क्लियर होते जाएगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि रिटन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या कंडक्ट, जो भी जैसा भी प्रोनाउंस करना चाहे, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक इंसान इस नेशन का कैसे जिएगा, उसको कुछ पावर्स है, कुछ लायबिलिटीज है, वो सारी चीज़ लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर जी ने लिखा है इसको, इसलिए हम इनको बोलते हैं मॉडर्न डे मनु, मॉडर्न डे मनु। मॉडर्न डे मनु मतलब इन एंशियंट टाइम्स, अगर आपने मेरे हिस्ट्री के वीडियोस फॉलो किए होते हैं तो वहाँ पर मॉडर्न लाइक मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति में, स्मृति में लिखा है, उस टाइम पे लिखा गया था कोड ऑफ कंडक्ट उन लोगों के लिए जो क्षत्रियाज वैश्याज जो होते हैं ना, वो चार आश्रम ब्रह्मचारी, वो सब, ये सारी चीज वहां लिखा था। इनको बोलते थे मनु, उस टाइम पे उनका नाम था मनु, और मनुस्मृति वो जो बुक है उसको बोलते हैं। तो इसलिए हम अंबेडकर को, मतलब अंबेडकर जी को मॉडर्न डे मनु बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है। और ऐसा कहते हैं कि अंबेडकर जी ने, और यहाँ पर जो उन लोग उन्होंने लिखी थी वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हो रही थी। जो ब्रह्मचारी था, मतलब जो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण था और शूद्रास जो दलित थे, उसमें बहुत डिफरेंसेस थे। एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर कम फ्रॉम अ दलित फैमिली, ये नो वन नोज, बट ही डेफिनेटली कम्स फ्रॉम अ दलित फैमिली, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ दलित्स एट दैट टाइम। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा, उनको दलित लोगों का भगवान माना जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, और इसलिए हम लोग भी उनको मॉडर्न डे मनु बोलते हैं, ठीक है? इन्होंने ना ये मनुस्मृति जला दी थी, क्योंकि ये मनुस्मृति में दलित लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने बकायदा जला दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ख्याल कब आया था? ये आया था 1934 में बाय एम एन रॉय, 1942 बाय क्रिप्स, लाइक लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड क्रिप्स, इन्होंने बकायदा उस टाइम से 1942 में स्टार्ट हो गया था। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, यहाँ पर कैबिनेट मिशन में पूरा डिसीजन ले लिया गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये एफकैट, अभी जो एफकैट के क्वेश्चन पेपर में, एफकैट 1 2021 में क्वेश्चन में आया गया है क्वेश्चन। और कब हुआ था? 1930 में डिसाइड कर लिया गया था कि पूर्ण स्वराज मिलेगा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब पूरी इंडिपेंडेंस मिलेगी। पूरी इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी? जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा इंडियंस होगा, मतलब इंडियन विल डिपेंड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है? अभी मैं थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ पॉलिटी में, यार पूरे फैक्ट्स है, फैक्ट्स है। इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसमें, क्योंकि जानकारी है, इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें पूरे फैक्ट्स है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपको जब आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, ठीक है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि विच कंट्री, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता सकता कोई? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा आंसर है? आंसर इसका है इंग्लैंड, इंग्लैंड है इसका आंसर, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक रिटन नहीं है। और इंडिया हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन, इंडिया हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चीज हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। Guys, have you ever wonder what is the difference between polity and politics? क्या आपको मालूम है इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पॉलिटी और पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्या है आप जानते हैं? पॉलिटी और पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्या है मालूम? पॉलिटिक्स इज द गवर्नेंस, गवर्नेंस, जो हम रूल करते हैं ना, नॉट रूल, रूल इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि
रूल नहीं करता है, इट्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ डेमोक्रेटिक का मतलब इसके बाद बताता हूँ, थोड़ी देर में इसके बाद बताता हूँ डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का। गवर्नेंस और पॉलिटी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब ये रूल्स है, इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है ये है, इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। और पॉलिटी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब सिस्टम है, एक हायरार्की है, ठीक है, एक लिखा है, कंडक्ट है, एक जिसमें लिखा गया है कि कैसे वर्क करना है, कैसे चीज़ें होती है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड मतलब ऑन ग्राउंड पे होता है उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। कमिंग बैक टू डेमोक्रेटिक, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या मतलब है? अभी डेमोक्रेसी क्या है पूछे थे ना, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मतलब इसके फीचर्स है बहुत सारे। व्हेन अ कॉमन पीपल हैव द पावर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम है उनको, लिबर्टी है उनको, अगर इफ द कॉमन पीपल हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, हैज द लिबर्टी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो बोलते हैं, उसके पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, कोई भी उसका बॉन्डेजेस नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा कोई उसको रोक नहीं रहा है, ठीक है, लाइबिलिटीज होंगी डेफिनेटली, बट ही हैज़ ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू डू एनीथिंग ही वॉन्ट्स टू। ऑल्सो ये सारी चीज़ ना एक्सप्लेनेशन, डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो चीज़ है आर्टिकल्स में। ऑल्सो वी हैव टू इलेक्ट आवर हेड ऑफ स्टेट। सो ये सारी चीज़ जो है, इसको बोलते हैं, अगर ये सारी चीज़ प्रेजेंट है तो वो उस नेशन को बोलते हैं डेमोक्रेटिक नेशन। ऑल्सो एक और चीज़, रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का मतलब है वेर यू इलेक्ट योर हेड ऑफ स्टेट मतलब हम इलेक्ट करते हैं, राइट, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, चुना नहीं जाता है, राइट, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चुना जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और एक चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 26 जनवरी 1950 को बना है, राइट ना। 26 जनवरी को ही क्यों बना है, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1930 को डिसाइड हुआ था, 26 जनवरी 1930 को डिसाइड हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे बनाते हैं, रिपब्लिक डे। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर आपके दिमाग में, या एक और चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, मोनार्की मतलब क्या होता है मालूम, मोनार्की मतलब वेर जो आपकी ब्लड लाइन है वो हमेशा प्रिंस बनेगी। आपने इंग्लैंड का प्रिंस पता है आपको कौन है, प्रिंस यूके का प्रिंस है प्रिंस हैरी, जो कि अभी एक दो तीन साल पहले मेगन मार्कल से शादी किया था वो, ठीक है, प्रिंस हैरी जिसको प्रिंस बोलते हैं, ही इज़ नेवर इलेक्टेड, इसके बाप दादाओं से ये प्रिंस है, इसका बेटा भी प्रिंस बनेगा, उसका बेटा प्रिंस बनेगा, इरेस्पेक्टिव दे डू नॉट चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर सेल्फ, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी से मेरे को एक और याद आ रहा है, चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री। अगेन इफ यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, उधर तो इतनी डिक्टेटरशिप है उस बंदे की कि वो लोग हेयर स्टाइल, अगर उस बंदे ने ऐसे किया तो हेयर स्टाइल भी ऐसे ही करने का है, हर जगह ऐसा है उनका, मतलब क्या डेवलपमेंट है उस कंट्री का। वेयर आर साउथ कोरिया, लुक एट साउथ कोरिया, जो आज मेजॉरिटी ऑफ द जो सैमसंग ही शायद साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है, और कितना डेवलप हुआ है साउथ कोरिया, कुछ फैक्ट्स है जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा साउथ कोरिया के बारे में, ठीक है। सो साउथ कोरिया हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ, वेर एज नॉर्थ कोरिया जो डिक्टेटरशिप है उन लोगों ने इतना किया, कौन नाम लेता है नॉर्थ कोरिया, कोई नहीं, राइट, दैट इज़ वेयर डेमोक्रेसी कम्स इन टू प्ले,
ठीक है। सो नॉर्थ कोरिया का नाम कोई भी नहीं लेता, लेकिन साउथ कोरिया का नाम सब लेते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आती हैं। चाइना इज अगेन नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है यार। वहाँ के अभी अभी थोड़े दिन पहले किसका अलीबाबा एक्सप्रेस का कौन है वो फाउंडर जैकमा को 2 महीने तक गायब करके रखा था क्योंकि उसने कुछ बोल दिया था चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में। इवन यूट्यूब वर्क नहीं होता वहाँ पर और सोशल नेटवर्किंग साइट वर्क नहीं होता। वहाँ की जो जनता है अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोले ना तो उनको सीधा इंप्रिजनमेंट ट्रायल में डाल सकती है, ठीक है। और वहाँ पर और क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर 2 करेंसी चलती है। USA उस पर सैंक्शन डाल रहा है बार बार कि ये 2 करेंसी गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो छोड़ो, वो अलग बात है। आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ पॉलिटी एट दिस टाइम। सो ये चीज़ है, ठीक है। आप प्रिंस वगैरह मोनार्की आपको समझ में आया ना, रिपब्लिक समझ में आया, डेमोक्रेसी समझ में आया। सो ये सारी चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ऑल्सो एक और चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो यूके है, यूके इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है लेकिन चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अबाइड है। अदर देन प्रिंस बाकी सारी चीज उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, ठीक है। ये चीज हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं। डेमोक्रेसी हैज 2 काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अभी सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इंडिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है। ये मैं जवाब दूंगा जब इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फॉर एग्जाम्पल ये होता है स्मॉल पॉपुलेशन के कंट्री के लिए होता है। क्यों होता है, क्या मतलब है इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जहां पर पीपल इलेक्ट नहीं करता है एक रिप्रेजेंटेटिव जो बात उसका फॉरवर्ड करता है। मतलब अगर जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें 1000 लोग रहते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर ये 1000 लोग ना एक बंदे को इलेक्ट करेगा, वो बंदा इन लोग की प्रॉब्लम जो है ये जाके बताएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट एंड सेलेक्ट। हाँ गाइज, इलेक्ट मतलब जो जनता चूज करती है, सेलेक्ट मतलब जो प्रिंस हैरी है ना वो सेलेक्ट होता है, मतलब कुछ लोगों में से सेलेक्ट होता है। इलेक्ट मतलब कुछ, मतलब हम जनता उनको खड़ा करती है वहां पर, ठीक है। सो ये बंदे को हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जनता जो है इनडायरेक्टली वाया हिम अपनी प्रॉब्लम बता रही है गवर्नमेंट को। सो इंडिया मतलब इनडायरेक्ट, दैट्स वाई इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हर एक के ओपिनियन बताए, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। अभी हर एक बंदा अपना प्रॉब्लम बताने गया गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट तो पागल हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या, कहाँ पर होता है, जैसे स्मॉल नेशन जहाँ पर इट इज़ पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, यहाँ पर डायरेक्ट स्विट्जरलैंड, ठीक है। सो यहाँ पर चलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनता नहीं है तो पीपल कैन गिव देयर ओपिनियन। बट इंडिया में हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। नो रिकॉल का मतलब होता है टेकिंग द कैंडिडेचर अवे। अभी इसका मतलब देखो क्या होता है, देखो एक कम्युनिटी है जहाँ पर 2 बंदे इलेक्शन के लिए खड़े हैं, ठीक है। ऑफ कम्युनिटी इज ऑफ 100 पीपल, एक बंदे को 10 वोट मिलते हैं, दूसरे बंदे को 5 वोट मिलते हैं, ठीक है। कायदे से ये बंदा जीतेगा, वॉन द इलेक्शन, ठीक है, और ये बंदा हारेगा। नोइंग द फैक्ट दैट बाकी के 85 पीपल वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, सो इन दिस केस रिकॉल कम्स इन टू प्ले। देर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटा, राइट, नन ऑफ द अबव। अपने इलेक्शन में एक और, आप अगर 18 से ऊपर है तो आप देने जाते हैं ना इलेक्शन पे, नोटा करके एक होता है। वहाँ पर अगर इन 85 बंदों ने नोटा क्लिक किया तो वहाँ पर ये सपोज ए है और ये बी है बंदा, इन दोनों का नाम, ये ए और 85 वोट आया नोटा को, तो ए और बी का कैंडिडेचर अलग हो जाएगा, मतलब हटा देंगे इसको और इन दोनों की जगह सी और डी को डालेंगे और वापस इलेक्शन करवाए जाएंगे, वापस इन 100 बंदे वापस वोट करेंगे इसको।
सो यहाँ आता है रिकॉल। ये शायद हम जहाँ तक मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पर हुआ था ये नोटा, मतलब ये कैंडिडेटर अवे रिकॉल का लिया गया था। बाकी का आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ऐसा कहीं हुआ था, बट इट इज़ देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन कि कैंडिडेटर अवे कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर कैंडिडेशन नोटा नहीं होता, रिकॉल नहीं होता, तो यार ये 85 बंदे तो नहीं चाहते थे उसको, चाहते तो सिर्फ ये 100, मतलब ये 10 बंदे ही है ना, उनको सिर्फ 10 बंदे चाहते हैं, लेकिन ये रूल करेगा इन 100 बंदों पे डेफिनेटली। सो ये तो गलत है। सो ये चीज़ को टैकल करने के लिए रिकॉल चीज़ आई थी, फाइन। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ। नाउ नेक्स्ट एक चीज़ जो आपको याद रखना है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ और लैंड, रूल ऑफ लैंड। नाउ रूल ऑफ लैंड क्या है, मतलब क्या है रूल ऑफ लैंड का? इसका मतलब है नो पीपल, नो पर्सन इज अबव द लॉ, इज अबव द लॉ। इसका मतलब ये है कि इवन प्राइम मिनिस्टर इज विद इन द लॉ, लाइक अ कॉमन पर्सन हु इज विद इन द लॉ। प्राइम मिनिस्टर को अलग से पावर दी जाती है क्योंकि वो इलेक्टेड रहता है, प्रेसिडेंट को अलग से पावर दी जाती है, वो इलेक्टेड रहता है, लेकिन लॉ सबके लिए सेम रहेगा, फंडामेंटल राइट्स जो सबको मिली है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि कोई भी अपने आप को लॉ से ऊपर नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछो, कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वॉट इज द सोर्स ऑफ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ठीक है। अगर आप ऐसे पूछो तो इसका आंसर रहेगा वी द पीपल, वी द पीपल मतलब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है। तो वी द पीपल मतलब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लाइक पार्लियामेंट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट को इतना पावर दिया जाएगा। या जुडिशियल को पावर कहाँ से मिलता है? जुडिशियल ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इट्स रिटन, फाइन। इसलिए हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, जहाँ पर अ कॉमन मैन हैज़ द ऑल द फ्रीडम जो कि मिलती है। प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सिर्फ इतना ही है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब। आपने अगर यहाँ तक सर्वाइव किया है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और क्या नहीं समझ में आया कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। आई एंड द वीडियो टिल नाउ एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।